हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिस फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। सो गाइज, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज भी मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं खुद उस जगह पे फर्स्ट टाइम गई थी और ये जगह कुछ ज़्यादा अलग है, हटके है, कुछ अलग वाइब्स है इस जगह की फीलिंग, और कुछ आप देख के खुद आपको समझ में आएगा कि आपने पता नहीं ये जगह देखा भी है कि नहीं। और ये है इसका मेन्यू कार्ड। तो अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो हम लोग निकल गए थे मनाली से, और मनाली से हम लोग जा रहे थे चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ क्रॉस करके हम लोग पंजाब होते हुए दिल्ली जाएंगे। तो ठीक है, तो ये वहाँ का जर्नी जो है अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और वो रेस्टोरेंट शेयर करूँगी जो कि थोड़ा अतरंगी है, बट वो रेस्टोरेंट अगर आप देखोगे मतलब आपको कुछ अलग फीलिंग तो आएगा कि आप कहाँ आ चुके हो अचानक से, बट अब वो मिक्स्ड फीलिंग अच्छा है या ख़राब है वो आप वीडियो में देखिए तो आपको समझ में आने लगेगा। तो हम लोग एंटर कर गए थे पंजाब भरतपुर में, और हमें लग बहुत ज़ोर की भूख, तो हमने डिसाइड किया कि चलो भाई कहीं उतरते हैं और खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे देखते 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 हम लोग हाईवे की तरफ आ गए। भरतपुर हाईवे पंजाब में है, और ये देखिए इस जगह का वाइब्स। अब जब एंटर करोगे तो आपको ये एक्वेरियम वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज़ ये कौन सा जगह है, थोड़ा सोचने का कोशिश करिए। बेसिन, वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है यहाँ, इतना सारा आइडल्स बना हुआ है, अलग अलग मूर्ति अलग अलग स्टोरी बता रही है, और आपको ये जगह देख के कुछ अलग तो डेफिनेटली 100% अलग लग रहा होगा, बिकॉज आप ऐसी जगह पे, मुझे नहीं पता आप लोग कलकत्ता में इस तरह का कोई जगह पे गए हो या नहीं, क्योंकि कलकत्ता में ऐसी जगह नहीं है जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में, और ये देखिए आपको मैं हर एक एक छोटे छोटे क्लिप्स दिखा रही हूँ और फिर एक्सप्लेन करूँगी आपको इस पूरे वीडियो में कि ये है क्या। तो गाइस ये देखिए, ये है अल्पाइन ढाबा जो कि पंजाब भरतपुर में हाईवे के ऊपर आता है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा ढाबा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज़ है इसका। और ये देखिए एक अल्पाइन मोटेल भी है, ये फुल्ली एसी एयर कंडीशन आपको ये जगह मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे लस्सी तो फ्री में मिलती है, सबसे अलग चीज़ यहाँ पे कि आजकल हमें कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। तो इस जगह पे ये देखिए, ये जो जगह आप देख रहे हो ये इनका वॉशरूम एरिया है। ऐसा वॉशरूम है, ऐसा लग्जरियस वॉशरूम तो मैंने कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं देखा। और ये देखिए, ये जब भी आप अल्पाइन ढाबा में एंटर करते हो तो ये है, आपको तीन अलग अलग डिवीज़न मिलता है रेस्टोरेंट का। एक ये वाला डिवीज़न है जहाँ पे थोड़े डिम लाइट्स है और कुछ इस तरीके का लुक एंड फील है जगह का। तो ये हो गया पहला जगह। फिर एंट्री करते वक्त आपको एक और जगह, ये देखिए आप देख सकते हैं बाहर की तरफ जहाँ पे वो स्कूटर वगैरह डेकोरेटेड किया हुआ है, वो और एक हॉल है, उसके ऑपोजिट में और एक हॉल है। तो गाइस ऐसे तीन चार हॉल्स को डिवाइड करके, स्पेस को डिवाइड करके अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड एंड प्रेफरेंस इस तरीके को बनाया। यहाँ पे हमेशा साफ़ सफाई आप देखोगे चलती रहती है। और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो जगह है ये पंजाब के कल्चर को डिस्क्राइब करता है। ये जो अल्पाइन ढाबा है, अगर आप कभी भी जाओ मनाली और लौटते वक्त अगर आपको पंजाब वाला रास्ता देते हो तो आपको ये ढाबा बीच में ही मिल जाएगा। और आप ये देखिए स्कूटी, यहाँ पे जो स्कूटर है उसके साथ एक और, ये देखिए ये है सबसे लॉन्गेस्ट स्कूटर। और ये देखिए ये सब पंजाबी कल्चर्स, पंजाबी बच्चे जो हैं कुछ खेल रहे हैं, ये सारा चीज़ एक एक स्टोरी में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि आपको कोई स्टोरी नरेशन रही। देखिए पहले एक पुराने ज़माने की टीवी, ग्रामोफोन, एवरीथिंग इज़ हियर, जो आपको पंजाब का कल्चर याद दिलाएगा। क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आप कह सकते हो कि इस रेस्टोरेंट में आई हूँ और मुझे ज़्यादा पंजाबी कल्चर्स के बारे में नॉलेज इतना भी नहीं है, तो ये वो इंसान ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा जो कि खुद पंजाब के कल्चर में रहा है, पला बड़ा या खुद पंजाबीज़ हैं, उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ फील होगा। क्योंकि ये जो जगह का लुक एंड फील है ये बहुत ज़्यादा देसी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अगर आप मतलब इस कल्चर में ज़्यादा पले बड़े नहीं भी हो तब भी आप इस जगह पे आके आपको एक कनेक्शन सा फील होगा, आपको बहुत ही पॉजिटिव सी एक वाइब आएगी। और जब भी आप एंटर करते हो, जैसे हमें भी उन लोगों ने लस्सी ऑफ़र किया था, मतलब आई थिंक वो लस्सी था या माठा था, मैं उसमें कन्फ्यूज़ हूँ थोड़ा, बट हाँ वो लिखा हुआ तो आपने देख ही लिया कि फ्री लस्सी। तो हमें शायद आई थिंक मीठी लस्सी नहीं मिली थी, हमें नमकीन वाली लस्सी मिली थी, तो दैट मीन्स वो माठा ही है। तो वो हमें ऑफ़र किया गया था तो खाने के पहले, तो
तो ये देखिए अल्पाइन, ये आपको ना कोई एक महल टाइप का आपको एक फीलिंग देगा। रूम्स वगैरह भी अवेलेबल है, पिज्ज़ा मिलता है यहाँ पे। और जो आपको मैं अभी जैसे आगे बढ़ रही हूँ ना, तो राइट हैंड साइड में आपको एकदम कॉर्नर में आपको, मैं वॉशरूम के लिए निकली थी तो मुझे वॉशरूम जाना था, तो ये जो राइट हैंड साइड है ये देखिए रूम्स जहाँ पे लिखा हुआ है उसके पहले वाले साइड पे आपको वॉशरूम मिलेगा। ये देखिए जेंट्स एंड लेडीज़, उन्होंने बड़ा सा बोर्ड भी लगा दिया वॉशरूम का। तो ये वॉशरूम एक बहुत ही अच्छा है जब भी आप इतना लंबा सफ़र करके आते हो, इतना नीट एंड क्लीन है। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग वहाँ से खा पी के निकल गए क्योंकि इतना अंधेरा था और मेरी बैटरी जो थी वो डाउन हो गई थी, वहाँ थोड़े डिम लाइट्स थे तो इसलिए मेरी बैटरी भी डाउन हो गई थी, तो मैं खाने का तो वीडियो नहीं बना पाई। बट ट्रस्ट मी गाइस, खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आपको कभी भी मौका मिले, पूरे प्योर देसी घी में पूरे सारे खाने बनते हैं। कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कि आप मनाली से पंजाब की तरफ से होते हुए हाईवे के साइड से भरतगढ़ होते हुए आओ, तो ज़रूर अगर आपको बीच में अल्पाइन ढाबा दिखे तब ज़रूर यहाँ रुक सकते हो। फूड का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है, ऐसा कोई हाई फाई प्राइस नहीं है, तो आपको डेफिनेटली अच्छा भी लगेगा क्योंकि खाना का टेस्ट अच्छा है, सब कुछ सही है। तो आप ज़रूर आइए। और गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ। और हम लोग वहाँ से निकल चुके थे और आप देखिए हम लोग हाईवे की तरफ है और अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, तो अभी हम लोगों को एक होटल भी ढूंढ के वहाँ जाके रहना है। तो अगर आप इस वीडियो के पार्ट टू को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ढाबा से निकलने के बाद हम लोग किस होटल में रहें और किस जगह पे हम लोगों ने स्टे किया। और जिस जगह में गाइज में हम लोग स्टे किए ना, अगर आपको मैं वो वीडियो दिखाऊँ तो आप डेफिनेटली फील करोगे, बड़े हट के जगह थी, बहुत ही रॉयल एम्बियंस था उस जगह का। वो अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो का सेकेंड पार्ट में आप ज़रूर देखना। आपको पूरा क्लियरली मैं अच्छे से समझा दूंगी कि हाईवे में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कैसे क्या होटल मिलते हैं। अगर आपको कभी ऐसे हाईवे पे रुकना पड़े होटल में तो कौन सा सेफ़ ऑप्शन होता है विथ योर फैमिली जहाँ पे आप रह सकते हो, तो ये सारी चीज़ों की डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड टेक केयर।